बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सोहावा कैंपस। माय नेम इज़ फारिया जहीर, माय क्वालिफिकेशन इज़ एमएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एंड माय टीचिंग एक्सपीरियंस इज़ 4 ईयर्स। अवर टॉपिक इज़ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहले हमारे पास गिवन है हमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन हमें गिवन है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में यहाँ पे आपको ग्राफिकली नज़र आ रहा है कि एक्स वन एक्स टू को इससे दो पॉइंट्स हैं ऑन एक्स एक्सिस, एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ एक्स टू जो हैं वो दो पॉइंट्स हैं वाई एक्सिस के ऊपर। एक्स वन अप्रोच कर रहा है एफ ऑफ एक्स वन को, एक्स टू अप्रोच कर रहा है एफ ऑफ एक्स टू। यहाँ से ग्राफिकली आपको नज़र आ रहा है कि अगर x1, x2 दो पॉइंट्स हैं एक्सिस पे, तो वो अप्रोच कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू को। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्या? थ्योरेटिकली x1, x2 हमने कोई डोमेन में से दो पॉइंट्स लिए। अब कंडीशन जो हमें गिवन है, कंडीशन हमें गिवन है x1 इज लेस देन x2, x1 इज लेस देन x2, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स वन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स टू। कि अगर x1 लेस होगा x2 से, तो ये इम्प्लाई करता है कि एफ ऑफ एक्स वन जो है वो भी लेस है एफ ऑफ एक्स टू से, जो यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पे ग्राफिकली आपको नज़र आ रहा है कि ये जो कर्व है वो कहीं पे स्मूथ जा रही है, फिर कहीं पे स्टॉप हो रही है, फिर स्मूथ जा रही है, फिर कहीं पे स्टॉप हो रही है। अब अगर थ्योरेटिकली देखें तो x1, x2 जो हैं वो डोमेन में से हमने कोई से दो पॉइंट्स लिए। अब कंडीशन हमें गिवन है कि x1 लेस देन x2, x1 इज लेस देन x2, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स वन लेस देन एंड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, जो ग्राफिकली हमने देखा कि यहाँ पे कर्व इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वन जो है वो इक्वल भी आ सकता है और लेस भी आ सकता है एफ ऑफ एक्स टू से। इसको हम एक और जो है वो थ्रू डेरिवेटिव भी इसको डिफाइन करते हैं। अब वो क्या है हमारे पास कि अगर हमें कोई फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इंटरवल हमें गिवन है क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ डैश ऑफ एक्स मीन के डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन लेस देन ज़ीरो। कि अगर डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन ज़ीरो आती है, मीन के कोई नेगेटिव वैल्यू आती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, देन ये हमारे पास फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में यहाँ पे ग्राफिकली आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कर्व जो है वो स्मूथ जा रही है डाउनवर्ड। अब यहाँ पे भी x1 x2 को इसे दो आपके पास पॉइंट है ऑन x एक्सिस और एफ ऑफ एक्स टू और एफ ऑफ एक्स वन जो है वो y एक्सिस के ऊपर। तो अब देखें x1 अप्रोच कर रहा है एफ ऑफ एक्स वन को, x2 अप्रोच कर रहा है एफ ऑफ एक्स टू को। तो यहाँ पे जो x1 x2 हमने को इसे दो पॉइंट्स लिए डोमेन में से, कंडीशन हमें क्या गिवन है कि अगर x1 इज लेस देन x2, x1 इज लेस देन x2, दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2, जो कि आपको ग्राफिकली नज़र आ रहा है कि f ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर है f ऑफ x2 से। तो इस पॉइंट पे ये आपके पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पर ग्राफिकली डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे देखें हमारे पास जो कर्व है वो डिक्रीज हो रही है। अब डिक्रीज किस तरह हो रही है कि कहीं पे वो स्मूथ जा रही है, फिर इक्वल, फिर स्मूथ, फिर इक्वल। तो यहाँ पे x1 x2 को इसे दो पॉइंट्स लिए हमने डोमेन में से और कंडीशन क्या गिवन है हमें कि x1 इज लेस देन x2, x1 f of x, दिस इम्प्लाइज के f of x1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू f of x2। अगर x1 लेस है x2 से, तो ये इम्प्लाई करता है कि एफ ऑफ एक्स वन जो है वो ग्रेटर भी आ सकता है और इक्वल भी आ सकता है एफ ऑफ एक्स टू के, जो यहाँ पे ग्राफिकली हमें नज़र आ रहा है। अब थ्रू डेरिवेटिव हमें किस तरह इसको डिफाइन करेंगे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और हमें इंटरवल गिवन है क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ डैश ऑफ एक्स मीन के डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज लेस देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। अगर हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव जो है वो लेस देन ज़ीरो आ जाता है उस इंटरवल में, तो वो हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं।
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट वेयर द फंक्शन चेंजेस कनकेविटी, कि वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन जो है वो अपनी कनकेविटी चेंज कर देता है। अब देखें, ये कनकेव अप और ये कनकेव डाउन। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन जो है वो अपनी कनकेविटी चेंज कर रहा है, मीन के अप से डाउन में या डाउन से अप में। तो ये वो पॉइंट है जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या हम इसे डेरिवेटिव के थ्रू डिफाइन करते हैं कि अगर आप उसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं फंक्शन का, अगर वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है तो वो आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट अकर व्हेन डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो और अनडिफाइंड। ऐसा पॉइंट जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, मीन के फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एफ एक्स भी कह सकते हैं या डी वाई बाई डी एक्स भी कह सकते हैं, उसकी वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाती है या वो अनडिफाइंड आ जाता है तो वो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ पे ग्राफिकली आपको नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो है, फिर यहाँ पे देखें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे कर्व इक्वल हो जाती है, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स, तो ये तीनों जो हैं वो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सट्रीम वैल्यूज। अब एक्सट्रीम वैल्यूज में हमारे पास दो पॉइंट आ जाते हैं, मिनिमा एंड मैक्सिमा। सबसे पहले हम मिनिमा को डिस्कस करेंगे। मिनिमा थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स, मीन के फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से इक्वल टू ज़ीरो रखने के बाद यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेंगे। डबल डेरिवेटिव लेने के बाद उसके अंदर हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव से फाइंड किया है। वो यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करने से आंसर अगर डबल डेरिवेटिव का ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन के कोई पॉजिटिव नंबर आ जाता है आपके पास, तो वो उस पॉइंट पे आपके पास फंक्शन मिनिमा है। अब ग्राफिकली अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे देखें डी वाई बाय डी एक्स जो है वो क्या है, इक्वल टू ज़ीरो है। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो है और कर्व जो है वो इंक्रीज हो रही है, मीन के जब हम इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो वो पॉजिटिव कोई नंबर आएगा, वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास ये इस पॉइंट पे जो है वो फंक्शन मिनिमा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैक्सिमा। अब मैक्सिमा एफ डैश एफ एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, मीन के अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव उसका लेते हैं उसको आप ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें, वहाँ से आप एक्स की वैल्यू फाइंड करें, फिर आप इसका डबल डेरिवेटिव लें। डबल डेरिवेटिव मीन के एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, उसमें आप एक्स की वैल्यू पुट कर दें। अगर उसका आंसर लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो मीन के कोई नेगेटिव नंबर, अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन आपके पास मैक्सिमा है। ग्राफिकली देख लेते हैं, आप देखें यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो है तो और कर्व जो है हमारे पास डाउनवर्ड जा रही है। अब डाउनवर्ड जब डबल डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे तो वो डाउनवर्ड जाएगा, इट्स मीन कि ये हमारे पास इस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो है मैक्सिमा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 0333-04-77-410। माई ईमेल आई डी इज़ ahmedahmed050@gmail.com। थैंक यू।